हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्या फन क्रिएटिविटी। तो आइए दोस्तों, आज मेरा टॉपिक रहेगा मेरे इस बरांडे के गार्डन टूर पर, जहां पर मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करके रखा हुआ है। और आज मैं आप लोगों को अपने बरांडे के टूर पर ले जाना पसंद करूंगी, तो आप लोग भी जरूर पसंद करेंगे मे बी मेरे इस बरांडे के टूर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ले चलती हूँ अपने इस गार्डन टूर पर, जो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए आज वीडियो रेडी किया है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सारे प्लांट्स से मिलवाना पसंद करूंगी। दोस्तों, मैंने अपने जो ग्राउंड एरिया में मैंने काफी प्लांट्स मीन्स प्लांटर रखे हुए थे, तो वहां से मैंने सारे हटाकर अपने बरांडे में लेकर आ गई हूँ और यहाँ पे सेट कर दिया है। और बहुत सारे प्लांट्स मेरे बैक बरांडे में भी मैंने वहाँ पे सेट करके रखा है, क्योंकि सभी को एक जगह में रखना बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। नीचे से ग्राउंड से बरांडे में लाने का एक ही मेरा मकसद था, क्योंकि उन्हें मुझे हैवी रेन से बचाना था, क्योंकि यहाँ पर 2 to 3 weeks लगातार कंटिन्यूस बारिश होती है और मेरे बहुत सारे फेवरेट प्लांट्स खराब हो गए। मुझे बहुत ही दुख लगा। तो थोड़ा सा मैंने मेहनत किया क्योंकि मुझे सारे प्लांट्स को बचाना था, क्योंकि मेरे सारे इतने फेवरेट हैं तो उनको बचा सकूं, इसीलिए मैंने ये हार्डवर्क किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने प्लांट्स को अपने बरांडे या बैल्कोनी के किसी भी साइड में या कॉर्नर में रख देते हैं, तो वहां की ब्यूटी बहुत ही अच्छे से निखर कर आ जाती है, मेरा ये मतलब थिंकिंग है। तो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों को मैं मिलवाना चाहती हूँ मेरे इस फर्स्ट प्लांटर से, ये मनी प्लांट से, जिसको मैंने कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट किया था, आप लोगों के लिए एक वीडियो भी रेडी किया था फ्रेंड्स। तो उस समय मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि उसके कहीं रूट्स खराब ना हो जाए, क्योंकि मेरी उसकी मॉस्टिक खराब हो गई थी, टूट गई थी। तो मैंने हार्डवर्क किया था, सारे इसकी जो रूट्स है उसको गमलों से निकाल के फिर से मैंने रीसेट किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक भी इसकी लीव्स पीली नहीं पड़ी, ना ही कोई झड़ी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा करके कि मेरा ये प्लांट फिर से फ्रेश हो गया है। तो मैं इसे ऊपर तक ट्रेल कराना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब कि इतनी इसकी हाइट हो गई है और फुल अच्छे से इसमें ग्रीनरी आ गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी इसकी लुक हो गई है और मे बी कुछ दिनों के बाद और भी बुशी हो जाएगा। तो मेरा ये मेहनत बेकार नहीं गया जो मैंने इन दिनों इस प्लांट के साथ किया। आइए दोस्तों, आप लोग इस साइड आइए और अपने मैं अपने एक बॉन्साई प्लांट जो मैंने खुद रेडी किया है उससे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अरेलिया का प्लांट था जो मेरे एक बिग साइज के गमले में लगा हुआ था, जिसको मैंने बॉन्साई कर दिया है। ये 2 ईयर से ऊपर हो गया है इस छोटे से ट्रे पे, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। देखिए, जब भी आपको पता लगे करके कि जो इसकी रूट्स है बाहर को आ गई है, तो फिर ये बॉन्साई का मतलब शेप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक छोटे से ट्रे पे लगा के रखा है, जो बॉन्साई हो गया है बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, जो मैंने खुद रेडी किया था। तो फिर बहुत ही अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है। तो आइए दोस्तों, आप लोग इस साइड आइए और मेरे इन छोटी छोटी प्लांटर्स से मिलिए जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रेडी किया था। ये सारे जो मेरे प्लांटर्स हैं जो कटिंग के थ्रू ग्रो करके रखे थे, ये है अरेलिया का, और मैंने इनको शिफ्ट किया था इस छोटे छोटे व्हाइट कलर के प्लांटर्स पे। देखिए, इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आ गई है। तो छोटे से प्लांटर्स में भी बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है, और जब इसके रूट बॉन्ड हो जाएगी तो मैं इन्हें दूसरे इनसे बिग साइज के गमलों को मैं शिफ्ट कर दूंगी, तब उनकी और भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। Thank you.
इस साइड आप लोगों को ले जाना पसंद करूंगी। यहाँ पर इस साइड में जो मेरा बरांडे का फ्रंट साइड है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कोलियस को चार प्लांटर्स में ग्रो करके रखा हुआ है। ये सारे मेरे कलरफुल कोलियस हैं जो 1 ईयर से ऊपर हो गए हैं, जो बहुत ही इसकी ग्रीनरी बनी हुई है डिफरेंट कलर्स के। ज्यादातर मेरे कोलियस ग्राउंड एरिया में लगा के रखे हैं फ्रेंड्स। मुझे शौक है जो भी मैं ग्राउंड में ग्रो करती हूँ उनकी कटिंग्स को मैं प्लांटर्स में भी ग्रो करूं, ताकि मेरे सारे प्लांटर्स भरे लगे और अच्छा ब्यूटी ऐड करे। बहुत ही इजी है इनको लगाना और ये हमें फुल ईयर ग्रीनरी देता है। और इधर आइए फ्रेंड्स, ये मेरा टेरोनिया के प्लांट्स है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ चुके हैं, कुछ स्पेंट हो गए हैं, मैंने इसको रख दिया है इसके सीड कलेक्ट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी भी इसमें बहुत सारे बर्ड्स बाकी हैं खिलने के लिए। तो ये हमारा विंटर का बहुत ही अच्छा प्लांट है। आइए फ्रेंड्स, इस साइड जो मेरा एपेंटस का प्लांट है, तो ये मेरा पिंक कलर का है। बैक साइड में मैंने और दो पेंटस के कटिंग्स को ग्रो करके रखे हुए है, जो मैंने अपने नेबर से लाई थी। वो एक डार्क पिंक है और एक थोड़ा इससे थोड़ा सा लाइट पिंक है। और ये है मेरा बेबी कलर का, बहुत ही जिसमें फ्लावर्स आती है और ये पूरा साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और ये जब पूरा प्लांटर फ्लावर से भर जाता है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक होती है। बस काम करना है, जैसे कि ये हमारा स्पेंट हो गया है तो इसको ऊपर से इसको पिंच कर दीजिए, सीड्स नहीं बनने देना है। और ये हमारा प्लांट कटिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा ग्रो होता है और पूरे गार्डन को ग्रीनरी एड करता है। अभी अपने इस ड्रेसिना के प्लांट से मिलवाना चाहूंगी। देखिए, ये ड्रेसिना का प्लांट है, बहुत ही हमारा अच्छा और परमानेंट प्लांट है फ्रेंड्स। इसको जरूर ग्रो करिए क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, आपके ये प्लांट कभी खराब नहीं होंगे, पूरे साल इसकी फ्रेशनेस बनी रहती है, चाहे विंटर डेज हो या समर डेज। बहुत ही अच्छी इसकी लुक है, देखिए कितनी इसकी लीव्स, कितनी लॉन्ग लॉन्ग और पॉइंटेड लीव्स है, और डबल शेड की इसकी जो कलर्स है, बहुत ही ब्यूटी ऐड करता है हमारे गार्डन को। इसके साइड में रखा हुआ है मैंने ये पेडिलेंटस का प्लांट, जो मैंने पहले भी आप लोगों को काफी टाइम से शो किया हुआ है। बहुत ही इसकी हाइट हो गई है देखिए, तो मैं सोच रही हूँ अभी इन दिनों ही इसके ऊपर से प्रूनिंग कर दूं सॉफ्ट वाली, ताकि और भी बुशी हो जाए। और ये पूरा गमला मेरा भरा हुआ है, बहुत ही जिसकी लुक है। ये मेरा है स्नेक प्लांट और पीस लिली का प्लांट, जिसको मैंने एक ही गमले में लगा के रखा हुआ है। तो आप लोग भी मिक्स एंड मैच करके अपने बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत ही ब्यूटी ऐड करता है। तो इस बार मेरे इस प्लांटर में ये पीस लिली ने बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स दिए थे, और देखिए, और ये गमला पूरा भर्ती हो गया है, बहुत ही टाइट हो गई है। और ये जो स्नेक प्लांट है, नीचे से काफी इसके राइजोम से ये छोटे छोटे लीव्स निकल के आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ करके कि इसको रिपोर्ट कर दूं और इसके काफी प्लांटर्स रेडी कर दूं। और इधर मैंने ग्रो करके रखा हुआ है ये सिंगोनियम का प्लांट, ये मेरा मदर प्लांट है, तो इसको मैंने ऐसे ही ऊपर, मतलब थोड़ा सा हाइट के लिए मैंने रखा हुआ है, ताकि मैं इसे दूसरे कॉर्नर्स में लगा सकूं। तो जब भी मुझे जरूरत होती है कुछ स्टंप की, तो मैं इस प्लांटर से काफी मैंने कटिंग्स ली है, और कटिंग करते करते ये बहुत ही बुशी हो गया है फ्रेंड्स। फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है, देखिए
इसकी जो लीव्स है बहुत ही अच्छी इसकी शेप होती है। ये ऊपर के अभी थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, इन सबको मैं हटा दूंगी। और नीचे देखिए कितनी ग्रीनरी बनी हुई है मेरे, तो ये मैंने दो प्लास्टिक के ग्रीन प्लांटर में ग्रो करके रखा हुआ है। और जब मैं इसको लेकर आई थी, ये हमारे यहाँ पर कोई बेचने के लिए आया था, तो उस प्लांट में बस एक ही लीफ थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बचेगा कि नहीं। मैंने उसको केवल 20 रुपीज में लिया था फ्रेंड्स। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी इसकी क्रिएट की और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। इस प्लांटर से मैंने काफी इस फिलोडेंड्रॉन के प्लांट्स रेडी किए हुए हैं। देखिए बहुत ही पुराना हो गया है। इसके जो नीचे का पार्ट है इसको आप देख के बता सकते हैं करके कि इसकी जो नीचे की स्टैम्प है कितनी ब्रॉड हो गई है। इससे पता लगता है ये मेरा बहुत ही पुराना मेरा प्लांट है, मेरा ड्रेसिना का प्लांट है। बहुत ही इसकी वैरायटी बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स। देखिए इसके लीव्स की जो शेड्स है दिल को छू जाती है, कितनी अच्छी इसकी वेरिएशन है, कितने प्यारे इसके लीव्स हैं। और जब इसमें ये सन रेज पड़ती है तो इसकी ब्यूटी जो होती है लीव्स की और भी सुंदर से निखर के आती है। ये भी मेरा बहुत पुराना प्लांटर है फ्रेंड्स, जो मैंने नर्सरी से लिया था। बहुत ही छोटा साइज था इसका, तो अभी तक मैंने इसके ऊपर से एक बार भी कटिंग नहीं की है, तो बहुत ही प्यारा इसका लुक देता है। मुझे इसके ऊपर से कटिंग करने में बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि कटिंग करते ही बहुत ही ऐसा लगता है कहीं इनको चोट ना लग जाए। तभी मैंने ये जो प्लांट है बहुत ही इसकी जो वेरिएशन है लीव्स की मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स। ये ड्रेसिना का प्लांट काफी सालों से मेरे इस गार्डन में बने हुए है दोस्तों। मैंने साथ ही इस छोटे से प्लांटर में मैंने ये रियो की ही ये वेरिएटेड वाली वैरायटी है, तो मे बी ये रियो प्लांट ही है। तो फिर ये देखिए नीचे से जो पर्पल है ऊपर से ये डिफरेंट शेड है। तो रियो के बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, ये भी रियो की वैरायटी में भी आता है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है एक छोटे से प्लांटर में। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये देखिए मेरा कैलेडियम का प्लांट है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रीनरी हो रही है फ्रेंड्स। इसको भी मैंने छोटे से प्लांटर में प्रोवाइड करके रखा हुआ है। और इसको मैं कहीं से एक छोटा सा इसका मैं प्लांट लेकर आई थी, देखिए कितना अच्छा इसका लुक है, कितनी ब्रॉड इसकी लीव्स है, मेरे ये जो हाथ है उससे भी बड़ा है। तो देखिए कितनी इसकी वेरिएशन है इसके प्लांट्स में, पिंक है बीच में और साइड में ग्रीन, बहुत ही ब्यूटी ऐड करता है फ्रेंड्स अगर हम वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स अब मैं जिस प्लांट के ऊपर आप लोगों को थोड़ा दिखा रही हूँ, ये मेरा स्ट्रोमेंथिक प्लांट्स है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, इसकी जो कलर्स है इसमें बहुत अच्छी कलर्स है। और इसकी जो लीव्स की डिजाइन को मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा लगता है। अगर इसको हम पलट के देखें तो नीचे की कलर पर्पल कलर की बहुत ही अच्छी लुक देती है फ्रेंड्स बहुत से। और ये सिंगोनियम की ही वैरायटी है, ये वेरिएटेड वाला है फ्रेंड्स। इसकी जो लीव्स होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है, बहुत ही प्यारा लुक देता है। बट हमारे जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जो एरोहेडेड वाले सिंगोनियम के प्लांट, वो जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। मैंने इधर कुछ कोलियस के बहुत ही अलग वैरायटीज को ग्रो करके रखा हुआ है ये छोटे छोटे प्लांटर्स में। ये बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज है। देखिए दोस्तों मैंने जो ये वाला प्लांटर रेडी किया था आप लोग के साथ शेयर किया था, तो आप लोग देखिए इसमें भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ गई है चारों तरफ से। और अब बारी आती है मेरे इस छोटे से व्हाइट प्लांटर पे, जिसको मैंने ये परमानेंट प्लांट ग्रो करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये फिटोनिया का प्लांट है, देखिए इसकी लीव्स कितनी प्यारी है, बिल्कुल इसकी जो डिजाइन है व्हाइट एंड ये क्रीमिश एंड ग्रीन की, बिल्कुल नेट का जैसा ये लगता है। और ये जब पूरा छोटा सा प्लांटर पूरा भर्ती हो जाएगा बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इस प्लांट को बहुत ही कम फर्टिलाइजर और कम वाटर की जरूरत होती है। तो बना हुआ है मेरे गार्डन में, मैं आशा करती हूँ जब ये पूरा प्लांटर भर्ती हो जाएगा बहुत ही अच्छा लुक देगा मे बी।
इस वाले प्लांट से मैं आप लोगों को खासकर मिलवाना चाहूंगी। फ्रेंड्स, ये भी एक ड्रिसिना की ही वैरायटी है जिसको मैंने बॉन्साई शेप में कर रखा है। ये भी मेरा 1 ईयर ऊपर हो गया है। बहुत ही छोटे और कम डेप्थ वाले इस ग्रीन कलर की ट्रे मैंने इसको दे रखा हुआ है ताकि ये मेरा बॉन्साई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे से बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स आ गए हैं इस छोटे से प्लांटर में। 1, 2, 3 और इधर पीछे एक और है 4। तो फ्रेंड्स देखिए, ड्रेसिना की वैरायटी है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है और ये मेरा एक बॉन्साई बन गया है। तो बहुत ही इस छोटे से प्लांटर में बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और काफी सालों से मेरे इस प्लांटर में बना हुआ है। साथ में मैं दिखाऊंगी, ये मेरा सीडम का प्लांट है, इसे भी मैंने एक छोटे से गमले को प्रोवाइड करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके मेरे 2 सेट थे, एक मेरी ही गलती के कारण ये टूट गया है। बहुत ही ग्रीनरी रहती है पूरे साल और ये समर्स में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रीनरी बनी रहती है, फुल ऑफ लश ग्रीन। फ्रेंड्स, ये कटिंग के थ्रू बहुत ही इजी ग्रो होता है, बहुत ही कम वाटर की जरूरत होती है, बहुत ही कम फर्टिलाइजर इसमें देनी पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लगता है, इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी रख सकते हैं, बहुत ही इसकी ब्यूटी आती है। फ्रेंड्स, तो मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स में ये सारे ग्रो हो रखे हैं और ये मेरा है स्पाइडर प्लांट जो, तो इस साइड भी मैंने कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स लगा के रखे हुए हैं, कुछ मनी प्लांट, कुछ कलांचू और कुछ वेरिएटेड मतलब स्पॉटेड लीव्स वाले जो बहुत ही अच्छे लगते हैं वैरायटीज। फ्रेंड्स, मुझे परमानेंट प्लांट से बहुत प्यार है जिनमें उनकी जो लीव्स होती है, उनकी वेरिएटेड, उनकी जो कलर शेड होती है बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे प्लांटर्स में कहीं पे मैंने डेविल बैकबोन लगा के रखा हुआ है। प्लांट लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे इसके साथ टाइम पास हो जाता है और फ्रेश फील होता है जब भी हम अपने खाली टाइम को इन प्लांट के साथ स्पेंड करते हैं और हम अपने प्लांट्स को देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे अपने प्लांटर्स अपने बरामदे में रखे हुए हैं और जैसे विंटर डे स्टार्ट हो जाएंगे कुछ प्लांटर्स मैं नीचे ले जाऊंगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और जो न्यू दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ मेरी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।